अरे डरो मत, भागो मत। गुड बाय गया। भागो मत। गुड बाय गया। आमी ठीक विदाय। खत्म। बाय बाय टाटा। गुड बाय गया। केवल विदाय न होए, सिरो विदाय आमी ठीक। खत्म। बाय बाय टाटा। गुड बाय गया। अमेठी पर निर्वाचन नेखेले राहुल गांधी कांग्रेस और एकालर दुर्गत बीजेपी दुर्गा स्मृति ईरानी सम्मुखीन हुआर हाहक नहल राहुल गांधी सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। राहुल अमेठी केरार पिसोते एनेदरे आक्रमणात्मक होय पड़ुसे बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुलक कले डरो मत भागो मत। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत भागो मत। উল্লেখযোগ্য যে রাহুল গান্ধী সততে কৈ থাকে তেওঁ কাকো ভয় নকৰে, কিন্তু এতিয়া স্মৃতি ইরানীর ভয়ত গান্ধী পৰিয়ালৰ দুর্গস্বৰূপ আমেঠিৰ পৰা পলায়ন কৰা বুলি বিজেপিয়ে সমালোচনাৰে থকা হৰকা কৰিছে রাহুল গান্ধী। আমেঠিৰ পৰা পলায়ন কৰা বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহেও থকা হৰকা কৰিলে রাহুল গান্ধী। রাহুল বাবা সোনিয়া জি নে মোদী জি নে তো এক হি বাৰ ট্রাই কিয়া অৰ চন্দ্ৰযান লঞ্চ হো গয়া, ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं, मेरी बात लिख। अमेठी बीजेपी पार्टी तथा सांसद स्मृति ईरानी कटाक्ष करिले राहुल गांधी যোৱা তিনি বছৰত কংগ্ৰেছৰ এজনো জ্যেষ্ঠ নেতা আমেঠিলৈ অহা নাছিল বুলি কলে স্মৃতি ইৰানী। দেখিয়ে পিছলে তিন বৰ্ষো মে মই ৰায়বৰেলি মে দিশা কমিটি কি অধ্যক্ষ ৰহী, सोनिया जी को चेयर रही। इन तीन वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। इपिने प्रधानमंत्री मोदी ये कहे जे कांग्रेस और सकलोतकै डांगर नेता सोनियाय रायबरेली एरी पलाइसे, एटिया तेओरे पुत्र राहुल अमेठी एरी पलाइसे, वायनाड हारिब बुली जानी रायबरेलीत राहुल नामिसे बुली कटाक्ष करिले मोदी। इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। अमेठी गांधी परियालर अति विश्वस्त किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस से दिले पार्थित्व, के एल शर्मार पार्थित्व दी कांग्रेस से स्मृति ईरानीक वॉक ओवर दिसे बुली दाबी करिछे बीजेपी तथा शासकीय दले। লগতে গান্ধী পৰিয়ালে আমেঠিক চিৰ বিদায় দিয়া বুলিও ক'ব বিচাৰিছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে। वो लड़ना नहीं चाहते थे, थोपा गया होगा। पहले अमेठी के हार के बाद वायनाड चले गए क्योंकि वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन अधिक थे, लग रहा है वहां से भी हारने की उम्मीद है। तो अमेठी जहां से उनके पिताजी लड़े स्वर्गीय राजीव गांधी, जहां से उनके चाचा लड़े संजय गांधी, अपने लड़े चार पांच बार, क्यों छोड़ दिए?
तो रायबरेली भी लगता है दबाव में ही गए हैं। चलिए उनकी पार्टी उनको कहां से लड़ाती है उनका विषय है। উল্লেখযোগ্য যে 2002 চনৰ পৰা 2019 চনলৈ আমেথিৰ সাংসদ আছিল ৰাহুল গান্ধী। 2019ত বিজেপিৰ অগ্নিকন্যা স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত আমেথিত পৰাজিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। পৰাজয়ৰ পিছৰে পৰা আমেথি কেৰি দিছিল গান্ধী পৰিয়ালে। গান্ধী পৰিয়াল আৰু আমেথি আছিল এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। আমেথি আছিল গান্ধী পৰিয়ালৰ ঘৰ সদৃশ। কিন্তু এতিয়া আমেথিক পৰিত্যাগ কৰি ৰাহুলে বিচাৰিছে নতুন ঘৰ। আমেথিত প্ৰিয়ংকা গান্ধী অথবা ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাকো টিকট নিদিলে কংগ্ৰেছে। পৰাজয়ৰ আশংকাতে হয়তো গান্ধী পৰিয়ালে মুখলজ্জা ঢাকিবলৈ আমেথিক এৰি দিলে কিশোৰীলাল শৰ্মাৰ দৰে এজন ৰাজনীতিৰ এ বি চি ডিও নজনা লোকৰ হাতত। জয় বা পৰাজয় যিয়ে নহওক, আমেথিত এতিয়াৰে পৰা নাথাকিব গান্ধী পৰিয়ালৰ কোনো অস্তিত্ব। আমেথিক সঁচাকৈয়ে বাই বাই দিলে গান্ধী পৰিয়ালে। গুড বাই গয়া। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।